बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चना पुलाव, सफ़ेद चने वाले चावल जिसको कहते हैं। आधा किलो चने हमने भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन 4-5 घंटे में भिगे हुए। पहले इसको गला लेंगे। गलाने के लिए लहसुन साबुत, ये तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी, ये इसको गलाने के लिए, और साथ नमक, ये डाल के इसको प्रेशर में गला लेंगे। और ये बाकी चीज़ें ये जो बाद में यूज़ होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चनों को उबालने के लिए रखिए। अब ये जो चावलों के लिए प्याज ले लें, अगर मीडियम साइज़ का तो एक ले लें, ये छोटे से तो मैंने दो ले लिए। टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, और ये साबुत गर्म मसाला जाएगा जिसमें ज़ीरा, दालचीनी, बादियाफ्ताई, काली मिर्च और सारा साबुत वाला गर्म लौंग वगैरह सब कुछ मिक्स है। चलो प्याज, ये टमाटर और हरी मिर्चें जो ये चॉपर में डाल के पीस लेंगे और प्याज को बारीक काट लेंगे। सबसे पहले ऑयल डाले पैन में, तकरीबन आधा के प्याज काट के बता प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर तुम साबुत गर्म मसाला डाल। ये जो लहसुन हमने उसको चने के साथ ही डाल दिया था, उसको निकाल के इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मसल लें। अगर प्याज ब्राउन होगा तो फिर इसको डालें, इसका पानी निकाल के डाल दें। प्याज का कलर देखें थोड़ा सा और चेंज हो गया, तो ये लहसुन का पानी इसमें डाल दें। ये लहसुन का जो पानी था डाल, ये हरी मिर्च का, टमाटर का जो पेस्ट है वो डाल दें। अच्छी तरह भून लें, भूले में चने वो डाल दें। जितने चावल थे उसके हिसाब से पानी डाल दें। मेरे पास ये 1 किलो चावल थे, उस लिहाज से ये आधा किलो का बर्तन है मेरे पास, जिसके साथ मैंने वो किया हुआ था, उसके लिहाज से ये 3 डब्बे जाएंगे पानी के। ये 2 थे मेरे पास चावल के और 3 मैंने पानी के डाल दिए। जो चने का उबला हुआ पानी था, यखनी बनाई थी, वो डाल दें, और अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो दूसरा पानी डाल दें। नमक भी डाल दिया हमने। पानी पकने लगते तो ये चावल डाल दें इसको। आधा घंटा हो गया चावल को भिगे हुए। इसमें एक बॉयल आ जाएगा, फिर देख लेंगे कि नमक कम तो नहीं है और डाल।
तेज पे आके नमक तेज में थोड़ा सा पीता लगा यहाँ पे आके थोड़ी सी आधी चम्मच काली मिर्च पिसी आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और एक चम्मच वाइट सिरका सिरके से ये होगा कि चावल चिपकते रहेंगे एक किलो सूखा धनिया पिसा हुआ चावलों में थोड़ा थोड़ा पानी हो तो इसको दम दे दो ज़्यादा खुशक ना करें बस यहाँ पे आके दम लगा दो 10 मिनट के लिए दम लगाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मिनट हो गए जो चावल भी हो रहे रेडी हो गए पहले हम इसको डिश आउट करते हैं।